सो या इफ यू सी इन दिस टेबल 5 ऑफ IS-456, ठीक है, तो ये टेबल में से हम क्या करेंगे, जो भी हमारा वाटर सीमेंट रेशियो हमने निकाला है हम उसको चेक करेंगे, ठीक है। सो उसके लिए पहले हमें यहाँ पर तीन चीज़ें जानना है। एक है एक्सपोजर कंडीशन, ठीक है, कौन सी एक्सपोजर कंडीशन पे आपका कंक्रीट बना रहा है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, वेरी सीवियर है या एक्सट्रीम। सेकेंड चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो है कि आपका कंक्रीट प्लेन कंक्रीट है या फिर रीइंफोर्स कंक्रीट, ठीक है। तो फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल, लेट अस से एग्जांपल मेरा कंक्रीट प्लेन है तो मैं ये देखूँगी, और लेट अस से मेरा कंक्रीट का जो एक्सपोजर कंडीशन जहाँ पर मैं बना रहे वो है वेरी सीवियर, ठीक है, वेरी सीवियर। तो इसके लिए हम देखते हैं मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो कितना ले सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना ले सकते हैं, 0.45, ठीक है। और एग्जांपल मेरा वाटर सीमेंट रेशियो आया था, सपोज अगर आया था इस वाले से, ये टेबल में से सपोज लेट अस से मेरा आया था 0.35, तो मैक्सिमम हम कितना ले सकते हैं, 0.45। तो मेरा ठीक है ना, मेरा 0.45 से कम है ना, तो मैं ले सकती हूँ मेरा। लेकिन ऐसा केस आया जैसे कि मानो मैक्सिमम आप कितना ले सकते हो, 0.45 अगर वेरी सीवियर कंडीशन है, और अगर आपका वाटर सीमेंट रेशियो आया था 0.5 सपोज, ये क्या बोलता है कि अगर आप वाटर सीमेंट रेशियो वेरी सीवियर कंडीशन के लिए मैक्सिमम 0.45 ही ले सकता है। तो अगर आपको 0.5 आया होता वाटर सीमेंट रेशियो, तो हम उसको 0.5 नहीं लेते, हम उसको काट के कितना लेता, हम लेते 0.45 ही ले लेते, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसीलिए ये चेक करना ज़रूरी है कि आपने जो भी वाटर सीमेंट रेशियो लिया वो हम उसको एक बार चेक करेंगे कि मैक्सिमम कितना ले सकता है, और उसके अगर मैक्सिमम से कम है तो चलेगा, लेकिन अगर मैक्सिमम से ज़्यादा है तो हम उसको डिक्रीज करके मैक्सिमम अप टू कितना ले सकते हैं वही तक ले लेंगे, ठीक है। उसी के लिए ये चेक करना ज़रूरी है। तो इससे हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप क्या था, व्हाट टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालना, राइट। उस टारगेट मीन स्ट्रेंथ को देख के उसके हिसाब से हम अपना वाटर सीमेंट रेशियो निकालते थे फिगर 1 या फिगर 2 ऑफ IS-10262 से। उसके बाद हम उसको चेक करेंगे, वाटर सीमेंट रेशियो जो भी आया वो मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो से हम चेक करेंगे फ्रॉम टेबल 5 ऑफ IS-456-2000, ठीक है। मैक्सिमम से कम है तो हम उसको ले लेंगे, अगर मैक्सिमम से ज़्यादा है तो हम उसको डिक्रीज करके मैक्सिमम वैल्यू क्या है वही तक ले लेंगे, ठीक है। ये वही वाला टेबल है, और इस टेबल में हमको और चीज़ें भी देखने को मिलता है कि मिनिमम सीमेंट कॉन्टेंट हम कितना ले सकता है, ठीक है, और मैक्स मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट कितना होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ ये IS कोड में दिया है, आपको उसके हिसाब से आपको डिज़ाइन करना पड़ता है, और ध्यान रखिए कि मैक्सिमम कितना ले सकता है, ठीक है। अब उसके बाद अब आते हैं हमारे थर्ड स्टेप, और थर्ड स्टेप जो है उसमें हम कैलकुलेट करेंगे वाटर कंटेंट कितना लेना है, और फाइन टू टोटल एग्रीगेट रेशियो, यानी कि ये फाइन टू टोटल एग्रीगेट रेशियो मतलब सैंड का परसेंटेज, ओके। इन शॉर्ट यू कैन से दिस मीन्स सैंड, यानी कि सैंड क्या है, सैंड है अपना फाइन एग्रीगेट, सैंड परसेंटेज आउट ऑफ टोटल एग्रीगेट, यानी कि टोटल एग्रीगेट में क्या आएगा, ग्रेवल्स और सैंड आता है, तो उनके टोटल एग्रीगेट्स में से सैंड का परसेंटेज कितना है वो यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए भी दो टेबल हैं, ये दो टेबल, ठीक है, टेबल 4 एंड टेबल 5 ऑफ IS-456-2000, ठीक है। तो अब इन दोनों में से हमें कौन सा टेबल से देखना है वो डिपेंड करेगा सी दिस पर, ये टेबल 4 हम तब देखेंगे अगर आपका कंक्रीट का ग्रेड बिलो M35। कैन यू सी दिस, अगर आप कोई भी कंक्रीट बना रहे हो M35 से कम तो हम टेबल 4 देखेंगे, अगर कोई भी कंक्रीट बना रहे हो जिसका ग्रेड M35 से ज़्यादा है तो हम टेबल 5 देखेंगे, ठीक है। अब M35, लेट अस से एग्जांपल हम M25 बना रहे हैं, ठीक है, तो
M25 से कम है तो हम टेबल फोर देखते हैं। अगर मान लो मैं M40 बनाता तो फिर मैं टेबल फाइव देखते, ठीक है। उसके हिसाब से हमें क्या मिलेगा। और अब देखिए, लेट अस अभी कंसिडर करते हैं, अगर टेबल फोर था हमारा तो उसमें आपका नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट भी है, ठीक है। अब आपने कौन सा एग्रीगेट साइज यूज़ किया, 10 mm वाला यूज़ किया, 20 mm या 40 mm, ठीक है, ये भी आपके हिसाब से। अगर आप 20 mm एग्रीगेट यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए वाटर कंटेंट, ठीक है, वाटर कंटेंट इन क्यूबिक मीटर पर क्यूबिक मीटर ऑफ कॉन्क्रीट इन केजी दिया है, यानी कि केजी पर क्यूबिक मीटर में दिया है, कितना होनी चाहिए वाटर 186, और सैंड परसेंटेज आउट ऑफ टोटल एग्रीगेट, ठीक है, सैंड परसेंटेज आउट ऑफ टोटल एग्रीगेट हम यूज़ करता। सिमिलरली अगर आप 10 mm का एग्रीगेट यूज़ करते मैक्सिमम नॉमिनल साइज तो आपका वाटर होता 200 kg पर मीटर क्यूब और सैंड यूज करता 40%, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आपका एग्रीगेट आपका कॉन्क्रीट का ग्रेड M35 से ज़्यादा है तो आप टेबल फाइव देखते, ठीक है। 10 mm एग्रीगेट यूज़ किया तो वाटर हम लेता 200 kg पर मीटर क्यूब और सैंड लेता 28% आउट ऑफ टोटल। अगर 20 mm नॉमिनल साइज एग्रीगेट यूज़ करता है तो वाटर लेता 180 और सैंड लेता 20, ठीक है। तो ये आपको डिपेंड करेंगे कौन सा ग्रेड है, अगर ग्रेड बिलो 35 तो टेबल फोर, अबव 35 तो टेबल फाइव। नाउ जो चीज़ आपको याद रखना है या फिर समझना है, ठीक है, वो ये है कि ये जो टेबल फोर जो था, ठीक है, जो कंडीशन उन्होंने दिया है कि इतना वाटर यूज़ करेंगे, सैंड इतना यूज़ करेंगे, वो एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए था। तो ये टेबल फोर जो बनाया था वो एक सर्टन कंडीशन को ध्यान रख के बनाया था, ठीक है। लेट अस रीड, टेबल फोर इज़ यूज फॉर कॉन्क्रीट अप टू M35, ये पता है, बेस्ड ऑन फॉलोइंग कंडीशन, उसका कंडीशन था, यानी कि उसको ये चीज़ें सर्टन कंडीशन ध्यान रख के ये वैल्यू निकाला था। और वो टेबल फोर क्या क्या कंडीशन ध्यान रखा था, पहली चीज़ उसमें कंसिडर किया था क्रश्ड एंगुलर यूज़ किया है, एग्रीगेट कैसा यूज़ किया है, क्रश्ड एंगुलर फोर्स एग्रीगेट। सेकेंड थिंग, फाइन एग्रीगेट जो यूज़ किया था वो कन्फॉर्मिंग टू जोन टू, अगर आप याद करोगे तो फाइन एग्रीगेट में बहुत सारा जोन है, जोन वन, जोन टू टाइप, जोन थ्री, जोन फोर। तो ये टेबल फोर जो बनाया है ये कंसिडरिंग कि फाइन एग्रीगेट यानी कि सैंड जो जोन टू में आता है वो यूज़ किया। वाटर सीमेंट रेशियो 0.6 बाय मास यूज़ किया है ये कंडीशन, और वर्केबिलिटी ऑफ कंपैक्शन फैक्टर 0.8 लेकर डिज़ाइन किया, राइट। अब क्वेश्चन कहाँ आता है, ये जो टेबल था ये कंडीशन के लिए बनाया था, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना, जो भी कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन हम बना रहे हैं उसमें आपने एंगुलर ही यूज़ किया है, जोन टू का ही यूज़ किया है, वाटर सीमेंट रेशियो 0.6 ही लिया है, कंपैक्शन फैक्टर 0.8 ही लिया, वो नहीं है ना, आपका अपना ही कंडीशन होगा ना, ऑब्वियस कॉमन सेंस की बात है, आपका कॉन्क्रीट आपकी मर्ज़ी, आप कैसे बनाना चाहते हो, तो आपका अलग कंडीशन होता है। और यहाँ पर बोल रहे ये कंडीशन ये, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करेक्शन करना पड़ेंगे तभी आपका वैल्यू सही आएगा, क्योंकि ये जो आपने निकाला कि वाटर कंटेंट इतना यूज़ करूँगी, सैंड इतना यूज़ करूँगी अगर M35 से कम है, वो इस कंडीशन के लिए है, और हमारा कंडीशन ये सेम होना ज़रूरी नहीं है, हमारा कंडीशन अलग होगा, तो हमारा कंडीशन अलग होने की वजह से हमें करेक्शन करना पड़ता है, और वो मैं आपको सिखाऊंगी करेक्शन कैसे करते हैं। उससे पहले लेट अस सी, ये कंडीशन था टेबल फोर। सिमिलरली आपका टेबल फाइव अगर M35 से ज़्यादा ग्रेड का है तो हम ये ही यूज़ करते हैं, ये अभी जो दिखाया है ना मैंने टेबल फाइव, यही वाला ये टेबल फाइव, ठीक है। तो ये टेबल फाइव भी कंसिडरिंग सर्टन कंडीशन, फॉलोइंग सर्टन कंडीशन करके बना है, यानी कि दिस टेबल फाइव हैज़ बिन कैलकुलेटेड कंसिडरिंग सर्टन कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है, सिमिलरली क्रश्ड एंगुलर फोर्स एग्रीगेट यूज़ किया है, फाइन एग्रीगेट जोन टू का, वाटर सीमेंट रेशियो 0.35 कंसिडर किया है, और वर्केबिलिटी कंपैक्शन फैक्टर 0.8। तो इसमें भी सेम केस, अब मानो आपने टेबल फाइव कंसिडर करके अपना वाटर कंटेंट और सैंड निकाला, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपका भी कंडीशन सेम होगा, है ना।
तो उस केस में हमें क्या करना है, चाहे आप टेबल फोर यूज़ करें या टेबल फाइव यूज़ करें, हमको करेक्शंस बनाना पड़ता है। करेक्शन हम तब ही नहीं बनाएंगे अगर हमारा कंडीशन भी उसके जैसा सेम है। मानो जो कंडीशन यहाँ दिया है आपने भी सेम डिटो सेम कंडीशन यूज़ करके बनाया है अपना बाउंड्री, तो आपको चेंजेस करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कंडीशन अलग है तो हमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो वो चेंजेस हम किससे बनाएंगे, ये करेक्शन करेंगे। इसको करेक्शन भी बोलते हैं या फिर एडजस्टमेंट। लेट अस रीड दिस। करेक्शन और एडजस्टमेंट शुड बी मेड इन वाटर कॉन्टेंट एंड सैंड परसेंटेज अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। ओके, तो अभी हमने क्या निकाला था, टेबल फोर और टेबल फाइव से हमने निकाला था वाटर कॉन्टेंट और सैंड निकाला, राइट? देखो वाटर कॉन्टेंट और सैंड, इसमें भी देखो वाटर कॉन्टेंट और सैंड। अब हम करेक्शन बनाएंगे। लेट अस से एग्जांपल फॉर सैंड कंफर्मिंग टू ग्रेडिंग जोन वन जोन थ्री जोन फोर ऑफ टेबल फोर ऑफ IS 383 1970। ठीक है, लेट अस कंसिडर आपने टेबल फोर यूज़ करके बनाया था आपका कॉन्क्रीट, ठीक है, और इसमें बोला है कि ये सैंड जो है वो जोन टू का यूज़ किया है, ठीक है, ये कंडीशन है। अब लेट अस सी करेक्शन का यूज़ कहाँ आता है। मानो अगर आपका भी जोन टू ही यूज़ किया है, आपने भी सैंड जोन टू से यूज़ किया है, तो कोई करेक्शन करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने मानो आपने जोन टू यूज़ नहीं किया, आपने यूज़ किया जोन थ्री, तो हमें करेक्शन बनाना। करेक्शन कैसा आएगा, वाटर कॉन्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई करेक्शन नहीं, लेकिन सैंड परसेंटेज ऑफ टोटल एग्रीगेट में दिया है। अगर आपने जोन थ्री यूज़ किया तो आपको -1.5। जैसे एग्जांपल देखो आपने जोन टेबल फोर यूज़ करके अपना वाटर निकाला था, जैसे 20 mm के लिए निकाला था, तो आपका सैंड कितना निकाला था, एग्जांपल 35% था आपका सैंड और पानी था 186। अब हम इसके ऊपर करेक्शन करें, ठीक है, तो इसमें तो देखो इसमें आपका अगर 35% था, ठीक है, इनिशियली अकॉर्डिंग टू टेबल फोर, लेकिन टेबल फोर बोलता है उसने जोन टू यूज़ किया, आपने जोन थ्री यूज़ किया, तो आपको उसको माइनस करना होगा, कितना -1.5, यानी कि 35 से अब कितना हो गया -1.5 किया तो 33.5। ठीक है, ये तभी लगाएंगे अगर हमारे कंडीशन अलग है टेबल फोर से, टेबल फोर या फिर टेबल फाइव, वो डिपेंड करता है, मैंने आपको समझा दिया, राइट? M35 से कम है तो टेबल फोर देखेंगे, M35 से ज़्यादा है तो टेबल फाइव। अब देखते हैं सेकेंड, इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कंपैक्शन फैक्टर बाय 0.1। मतलब कि लेट अस से टेबल फोर फिर से देखते हैं, टेबल फोर बोलते हैं कंपैक्शन फैक्टर 0.8, ठीक है, अगर आपने भी 0.8 यूज़ किया है तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपने 0.7 यूज़ किया या फिर 0.9 यूज़ किया, तो आपको चेंज करना ज़रूरी है। लेट अस से अगर आपने 0.7 यूज़ किया तो वो टेबल फोर बोलता है उसने 0.8 यूज़ किया, तो आपने कम यूज़ किया, कितना 0.8 - 0.7 करो तो 0.1। तो फॉर एवरी 0.1 वी विल सब्ट्रैक्ट और वी विल सब्ट्रैक्ट 3% फॉर वाटर। यानी कि एग्जांपल मैंने अभी बताया आपने वाटर अपने कंपैक्शन फैक्टर 0.7 यूज़ किया, कितना यूज़ किया 0.7, ठीक है, और टेबल फोर बोलता है उसने 0.8 किया, आपने यूज़ किया 0.7, तो कितना से आपने कम यूज़ किया माइनस करो, आपने 0.1 से आपने कम यूज़ किया, तो बोल रहा है कि 0.1 के लिए चेंजेस कितना बनाना है, यानी कि आपने इस केस में प्लस और माइनस 3% करना है वाटर कंटेंट। याद रखना आपने कम यूज़ किया है, 0.8 से कम यूज़ किया है, तो वो माइनस थ्री वो 0.1 के, ठीक है। लेट अस से अगर आपने 0.7 नहीं आपने कंपैक्शन फैक्टर 0.6 यूज़ किया होता, तो 0.8 - 0.6 कितना आता, 0.2 आता, फिर आपका चेंजेस कितना होता, एक तो आपने 0.8 से कम यूज़ किया है तो वो माइनस आता, दूसरा चीज़ 0.1 के लिए 3% आपका कितना आया डिफरेंस 0.2 के लिए कितना आता 3 × 0 कितना आएगा 6% आएगा ना, 0.2 into
0.1 के लिए अगर 3% तो 0.2 के लिए ऑब्वियसली 6%, और ध्यान रखना वो माइनस आएगा क्योंकि आपने कम यूज़ किया। सिमिलरली एग्जांपल आपका कंपैक्शन फैक्टर आपने 0.9 यूज़ किया होगा, 0.9 ठीक है, और कंडीशन कितना बोलता है 0.8, तो आपने ज़्यादा यूज़ किया राइट, 0.8 से सब्ट्रैक्ट कर दो फिर तो इस बार आया 0.1। लेकिन इस बार याद रखना, ध्यान रखना कि आपने ज़्यादा यूज़ किया, 0.8 से ज़्यादा यूज़ किया तो वो प्लस आएगा, अब माइनस नहीं आएगा, प्लस 0.1 आएगा, और प्लस अब हर 0.1 के लिए 3%, तो आपका कितना आता प्लस 3%। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, अगर आपने 0.8 से कम यूज़ किया तो वो माइनस होता, 0.8 से ज़्यादा यूज़ किया तो वो प्लस, हर 0.1 के लिए प्लस और माइनस 3% वाटर कंटेंट के लिए। ठीक है, सिमिलरली सैंड में कोई चेंज नहीं। अब सिमिलरली लेट अस सी वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो क्या बोल रहा है, हर एक ईच 0.05 इंक्रीज और डिक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, यानी कि हर 0.05 इंक्रीज और डिक्रीज के लिए चेंजेस होगा, वाटर कंटेंट में जीरो चेंज और सैंड में प्लस और माइनस 1%। ठीक है, अब लेट अस सी आपने अपने टेबल 4 में वाटर सीमेंट रेशियो यूज़ किया था 0.6। अगर आपने भी अपने कंक्रीट में 0.6 ही यूज़ किया है तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आपने लेट अस से आपने 0.5 यूज़ किया, कितना यूज़ किया 0.5, तो पहले चीज़ आपने कम यूज़ किया राइट, कम यूज़ किया तो वो माइनस आता है। सेकेंड चीज़ बोल रहा है कि हर 0.05 इंक्रीज और डिक्रीज के लिए आपको चेंजेस करना है, वाटर कंटेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज आएगा प्लस सैंड में, वो बोल रहा है हर 0.05 के लिए 1%, तो आपका कितना था, इसका था जीरो वाटर सीमेंट रेशियो 0.6, आपने यूज़ किया 0.5, तो कितना है 0.6 माइनस 0.5 कितना आएगा 0.1। ठीक है, अब वो बोल रहा है एक तो आपका इस केस में माइनस आएगा, मैंने अभी बताया क्यों, क्योंकि आपने जो कंडीशन दिया था टेबल 4 के लिए 0.6 उससे कम यूज़ किया तो माइनस। सेकेंड चीज़ 0.05 के लिए माइनस 1% होता तो 0.1 के लिए कितना होगा ऑब्वियसली 2% राइट। सी ये आपका मैथ्स लगाना है आपको, 0.05 के लिए अगर 1% डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा तो 0.1 के लिए कितना होगा, इंटू 2 करना है तो 1 इंटू 2 तो कितना आएगा 2 माइनस 2%, तो आपको -2%। ठीक है, तो वो डिपेंड करता आपने कौन सा वाटर सीमेंट रेशियो यूज़ किया है, अगर आपने ज़्यादा यूज़ किया 0.6 से तो प्लस आएगा, ऊपर से हर 0.05 इंक्रीज और डिक्रीज के लिए प्लस माइनस करते। ठीक है, अब लास्ट आता फॉर राउंडेड एग्रीगेट। ठीक है, उसने बोला है उसने कैसा एग्रीगेट यूज़ किया है टेबल 4 में, एंगुलर है, अगर आपने भी एंगुलर एग्रीगेट यूज़ किया तो कोई चेंज नहीं, 0 0, लेकिन अगर आपने राउंडेड एग्रीगेट यूज़ किया, एंगुलर यूज़ नहीं किया, तो वाटर कंटेंट में -15 और सैंड में -6। ठीक है, तो आपको ऐसे ही चेंजेस बनाना है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, अभी मैंने बताया आपने ये सेम कंडीशन का यूज़ किया है हर एक कंडीशन तो कोई चेंज नहीं, लेकिन अगर आपने अलग अलग कंडीशन का एग्रीगेट यूज़ किया है, कॉन्क्रीट यूज़ किया है, तो आपको ये करेक्शन करना पड़ेगा, तो आपको नया वाटर कॉन्टेंट मिलेगा करेक्शन के बाद और नया सैंड परसेंटेज मिलेगा करेक्शन के बाद। उसके बाद आपको सीमेंट कॉन्टेंट निकालना, सीमेंट कॉन्टेंट तो ईजी हो गए, कैसे आपका वाटर सीमेंट आपने निकाला ना, सेकेंड स्टेप में वाटर सीमेंट निकाला, अभी थर्ड स्टेप में आपने निकाला वाटर कंटेंट, तो आपके पास दोनों है, वाटर सीमेंट रेशियो निकालना राइट, डब्ल्यू वाटर सीमेंट आपने निकाला, वाटर कंटेंट निकाला, तो आप सीमेंट तो निकाल ही सकते हो ना, सीमेंट कैसे दे? वाटर सीमेंट मिल चुका है, वाटर कंटेंट मिल चुका है, तो सीमेंट को आपको बस क्या करना है, सीमेंट विल बी इक्वल टू वाटर कंटेंट जो भी वैल्यू आए अपॉन वाटर ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो, जो भी आपको वैल्यू आए आपको सीमेंट मिल जाएगा, और उसको भी चेक करना है, द सीमेंट कंटेंट शुड आल्सो बी चेक्ड अगेंस्ट द मिनिमम सीमेंट कंटेंट, यानी कि अगेंस्ट
ये टेबल जो अभी मैंने दिखाया इसमें चेक करना है, इसमें बोला है लेटेस्ट एग्जांपल सेम कंडीशन, आपने वेरी सीवियर लिया, ठीक है, वेरी सीवियर एक्सपोजर कंडीशन लिया और प्लेन कॉन्क्रीट लिया, तो प्लेन कॉन्क्रीट के लिए मिनिमम सीमेंट कंडीशन अगर वेरी सीवियर है तो 260 kg पर, ठीक है, मिनिमम इतना लेना है। अगर आपका इससे कम है तो आपको उसको फिर से उसको काट के आपको मिनिमम 260 लेना पड़ेगा, लेकिन अगर मानो आपका 300 है 350 आया तो वो मिनिमम से ज़्यादा है, राइट, तो हम उसको कंसिडर कर लेंगे, लेकिन अगर 260 से कम आया मिनिमम तो हमें वो कंसिडर नहीं करेगा, तो हम मिनिमम देंगे 260, ठीक है, इसमें भी करेक्शन। उसके बाद फिफ्थ स्टेप है आपका एस्टिमेशन ऑफ इंट्रैक्ट एयर, ठीक है, अभी मैंने समझाया कंक्रीट में, ठीक है, आप कंक्रीट बनाओगे तो उसमें ऑब्वियसली थोड़ा बहुत एयर भी इंट्रैक्ट होगा, राइट, उसमें एयर भी होगा, तो वो एयर का परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, अगर ये भी टेबल 3 से निकालेंगे IS 10262 का, ठीक है, नॉमिनल साइज अगर 10 mm यूज़ करेंगे तो इंट्रैक्ट एयर 3% कंसिडर करेंगे, 20 mm यूज़ किया तो 2%, 40 mm यूज़ किया तो 1%, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप है आपका कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट कंटेंट, अब इसमें बस आपको फॉर्मूला लगाना है, निकालना है, ठीक है, दो बार निकालेंगे, एक हम निकालेंगे कोर्स एग्रीगेट के लिए, दूसरा हम निकालेंगे फाइन एग्रीगेट के लिए, ठीक है, तो उसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, वी इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस सी अपॉन एस सी प्लस 1 upon rho into FA upon S FA bracket close into 1 by 1, ठीक है, इसमें देखते हैं वी क्या है, वी है आपका एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ फ्रेश कॉन्क्रीट विच इज इक्वल टू द ग्रॉस वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ एंट्रैप्ड एयर। सो इस केस में हम एब्सोल्यूट वॉल्यूम क्या है, एब्सोल्यूट ये वी जो है ये एब्सोल्यूट वॉल्यूम, एब्सोल्यूट वॉल्यूम क्या है, एब्सोल्यूट वॉल्यूम उसको बोलते हैं टोटल वॉल्यूम माइनस एंट्रैप्ड एयर, ठीक है, यानी कि लेट अस से अगर टोटल वॉल्यूम 100% कंसिडर किया हमने, टोटल वॉल्यूम कितना कंसिडर किया 100%, तो उसमें से ऑब्वियसली जो एंट्रैप्ड एयर है एयर का हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो एंट्रैप्ड एयर का वैल्यू हमें कहाँ से मिलता, यहाँ से मिलता, अगर 10 mm यूज़ किया तो हम 100 - 3 करता तो आपका एब्सोल्यूट वॉल्यूम आता 97, अगर 20 mm है तो 2%, तो वो 100 - 2 होता तो एब्सोल्यूट वॉल्यूम आता 98, 40 mm है तो 100 - 1 आता 99, ठीक है, तो एब्सोल्यूट वॉल्यूम हम कितना लेंगे 100 - एंट्रैप्ड एयर, एंट्रैप्ड एयर वो जो हमें अभी अभी क्या एब्सोल्यूट वॉल्यूम में हमें बस एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ फ्रेश कॉन्क्रीट लेंगे हम एयर को वॉल्यूम को सकता है, डब्ल्यू क्या है मास ऑफ वाटर kg पर मीटर, ठीक है, सी क्या है, सी आपका मास ऑफ सीमेंट, एस सी क्या है, एस सी है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट जो कि ऑलरेडी दिया होगा, ठीक है, या फिर आप खुद निकाल सकते हो टेस्ट करके, फिर 1 upon rho, rho क्या है, rho इज योर सैंड परसेंटेज, क्योंकि इधर से डायरेक्टली सैंड परसेंटेज, ठीक है, दैट इज रेशियो ऑफ फाइन एग्रीगेट टू टोटल एग्रीगेट बाय एब्सोल्यूट वॉल्यूम, यानी कि जो भी आपको सैंड परसेंटेज आया होगा, अगर 35% आया था आपका सैंड सपोज, तो आपका रॉ होगा 0.35, ऐसा कैसे, क्योंकि 35% मतलब 35 upon 100 जो कि आता है 0.35, ठीक है, तो रॉ आपका सैंड परसेंटेज है, दैट इज रेशियो ऑफ फाइन एग्रीगेट टू टोटल एग्रीगेट, तो ये भी मिल गया, फिर आपका आता है SFA क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट, ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट जो यहाँ देखो SFA क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैचुरेटेड ड्रैग फाइन एग्रीगेट, ठीक है, इंटू 1 upon 1000 करेंगे, तो सब वैल्यू है हमारे पास, हमारे पास वी निकला, वी ऑब्वियसली निकला एब्सोल्यूट वॉल्यूम, फिर वाटर कंटेंट का वॉल्यूम भी निकला, सॉरी कंटेंट निकला, सीमेंट कंटेंट निकाला, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट हमें पता होगा 1 upon rho हमें पता होगा, सैंड परसेंटेज, FA हमें निकालना है,
स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एफ ए फाइन एग्रीगेट भी हमें पता होगा, इंटू 1/1000, तो इससे हमारा एफ ए निकल जाएगा, यानी कि फाइन एग्रीगेट का कॉन्सेप्ट। सिमिलरली दूसरे से हम निकालते हैं, इससे हम निकालते हैं फोर्स एग्रीगेट, इसमें भी सेम करेंगे। एब्सोल्यूट वॉल्यूम इक्वल्स टू डब्ल्यू यानी कि वेट ऑफ वाटर प्लस सी सीमेंट डिवाइडेड बाई एस सी दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट प्लस 1/, इसमें क्या करना है बस ये डिफरेंस है 1 - रॉ, यानी कि अगर आपका रॉ 0.35 आया होता तो इसमें हम 1 - 0.35 तो कितना आता है 0.65 आता है, इंटू ये है आपका कोर्स एग्रीगेट सी ए डिवाइडेड बाई एस सी ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एस सी ए है आपका क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट ठीक है इंटू 1/1000। तो इसमें भी सब वैल्यू है, एब्सोल्यूट वॉल्यूम है, वेट ऑफ वाटर है, सीमेंट भी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट भी निकला होगा, 1/1 - रॉ भी निकल जाएगा, सी ए आपको कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सी ए भी फोर्स एग्रीगेट भी निकालना है, फोर्स एग्रीगेट यानी कि क्या इंटू 1/1000, तो आपको फोर्स एग्रीगेट का भी निकल जाएगा। तो आपको सब मिल गया ना, तो सीमेंट भी मिल चुका है, फिर सीमेंट इज टू फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट हमें अभी भी मिला, फाइन एग्रीगेट इज टू कोर्स एग्रीगेट, फिर हमें इनका रेशियो निकालना, सीमेंट मिला, फाइन एग्रीगेट मिला, कोर्स एग्रीगेट मिला, वाटर सीमेंट रेशियो भी आपको पता चल गया, तो सब कुछ मिल गया ना। तो ऐसे हम निकालते हैं अपना मिक्स डिज़ाइन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम एक एक्सरसाइज वी ट्राई टू सॉल्व वन सिंपल क्वेश्चन, उससे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, थैंक यू।